आजमा ने शेयर किया डर्टी सीक्रेट, बताया मजबूरी में किया ऐसा काम। रियलिटी शो लॉकअप में जजमेंट डे के मौके पर चार्जशीट में शामिल कैदियों को खुद को शो से बाहर होने से बचाने के लिए कंगना रनौत एक मौका देती हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़ा एक डार्क सीक्रेट बताना होता है। और अगर कंगना को ये लगा कि सीक्रेट वाकई सच है तो फिर उस कैदी को शो में बने रहने का मौका दिया जाता है। वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश करने वाली आजमा का नाम चार्जशीट में शामिल था। पूनम जजमेंटल जनता द्वारा सुरक्षित की जा चुकी थी, अली को कैदियों ने सुरक्षित किया था। ऐसे में आजमा निशा पायल पर शो से बाहर होने की तलवार लटकी हुई थी। पायल को कंगना ने सुरक्षित किया, निशा शो से बाहर होने वाली कंटेस्टेंट बन गई। लेकिन आजमा के सामने अपना सीक्रेट बताने की चुनौती आई थी तो आजमा ने स्वीकार किया और ये बताया कि वो स्ट्रेंज लोगों को बात करके ठगने का काम करती थी। एक ऐप के जरिए वो अनजान लोगों से बात करती थी, उन्हें गुमराह करती थी और उनसे पैसा ऐंठने का काम करती थी। दरअसल आजमा ने यह बताया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और 10-20 हज़ार की नौकरी में उनका घर नहीं चल रहा था। पैसा कमाने के लिए वही एकमात्र जरिया थी, इसलिए उन्हें और ज़्यादा पैसा कमाना था। क्योंकि उनकी माँ और पिताजी शुगर पेशेंट हैं, वहीं उनकी मौसी कैंसर पेशेंट थी, जबकि उनकी नानी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं और सभी के इलाज के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने उस काम को चुना। हालांकि उनके घर वालों को इस बात का पता नहीं है कि आजमा पैसे किस तरह से कमाती थी। जब उन्हें पता चलेगा तो वो काफ़ी दुखी होंगे। आजमा ने बताया कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ा, लेकिन वो अपनी मजबूरी के आगे विवश थीं। आजमा ने यह भी बताया कि वो आज खुश हैं क्योंकि आज वो अच्छे तरीके से पैसा कमा रही हैं और अपने परिवार को खुशियाँ दे रही हैं। आजमा का सीक्रेट बताने के बाद शो की होस्ट कंगना ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई और ये कहा कि तुम शो में बने रहने की हकदार हो और इस हफ्ते के एविक्शन से बच जाती हो। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आजमा ने अपने जीवन का एक कड़वा सच कंगना की जेल में दुनिया के सामने उजागर किया है। टीवी और इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।